हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में टेक्निकल टैगर में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आ गया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू एप्लीकेशन के बारे में जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। हमेशा की तरह इस एप्लीकेशन का नाम है क्रिएटर स्टूडियो। दोस्तों आप लोग क्रिएटर स्टूडियो तो यूज़ करते होंगे, अगर आप लोग फेसबुक यूज़ करते हो तो आप इसको जानते होंगे क्रिएटर स्टूडियो क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लोगों को नहीं पता तो क्रिएटर स्टूडियो वाईटी स्टूडियो की तरह ही होता है। हाँ दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपको पता होगा वाईटी स्टूडियो यूज़ करते होंगे आप लोग। तो उसी की तरह सेम फेसबुक का भी एक क्रिएटर स्टूडियो होता है। जैसे कि आप लोगों ने अपने फेसबुक पर पेज बना रखा है और फेसबुक पर पेज बनाने के बाद आप उसमें वीडियोज़ वगैरह अपलोड करते हो तो सारा क्रिएटर स्टूडियो के अंदर आता है, कितने व्यूज आए, कितना वॉच टाइम हुआ, तो सारा जो है पता चल जाता है उसके अंदर। तो आज हम बात करते हैं क्रिएटर स्टूडियो के बारे में, क्योंकि आज सुबह से जो है क्रिएटर स्टूडियो काम नहीं कर रहा है। काफ़ी लोगों ने मेरे से बोला था कि भाई ये काम क्यों नहीं कर रहा है, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं इसका सॉल्यूशन लेके आ गया हूँ, ये काम क्यों नहीं कर रहा है मैं आपको वीडियो के अंदर बता दूंगा और इसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा कैसे ये काम करेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो स्किप मत करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल में नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो ध्यान से देखना, वीडियो स्किप मत करना वरना आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो आपको सबसे पहले अपने फ़ोन के अंदर अपना क्रिएटर स्टूडियो जो है ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखो दोस्तों, इसका कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज़ ट्राई अगेन। अब ये जो वर्क नहीं कर रहा, मैं इस पर जाता हूँ, इसमें भी कुछ नहीं शो हो रहा, इसमें भी सेम प्रोसेस यही आ रहा है। अब मैं इस पर टैप करता हूँ, इस पर टैप करने का थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है ओपन हो गया, यहाँ पे मिनट्स व्यूड व्यू आ गए। तो ये देखो, इसके अलावा यहाँ पे और कुछ शो नहीं हुआ, ना आपको यहाँ पे आपकी पोस्ट दिखेंगी, ना ही आप यहाँ पे कुछ देख सकते हो उसके अलावा। मैं इस पर टैप करूँगा, यहाँ पे कमेंट्स आ रखे हैं, बाकी यहाँ पर जाऊँगा नोटिफिकेशन पर, तो यहाँ पर लिखा रहा है न्यूएस्ट नो नोटिफिकेशन हेयर वेयर यू विल फाइंड द न्यूएस्ट नोटिफिकेशन फ्रॉम क्रिएटर स्टूडियो। अब जो है यहाँ पर ये लिखा क्यों आ रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज़ ट्राई अगेन। तो इसका क्या सॉल्यूशन है मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, अगर आपके पास अब दूसरा फ़ोन है तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है प्ले स्टोर के अंदर। इस तरीके से आपको प्ले स्टोर अपने फ़ोन के अंदर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको अपने फ़ोन के अंदर ही क्रिएटर स्टूडियो ओपन करना है। तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। ये तो पता ही आपको क्या यूज़ आता है क्रिएटर स्टूडियो, फेसबुक के थ्रू। अगर आप लोग फेसबुक यूज़ करते हो और फेसबुक पे आपका पेज है, उसी के लिए आता है। जैसे कि आप यूट्यूब तो यूज़ करते होगे, यूट्यूब पे वाईटी स्टूडियो होता है, फेसबुक पे होता है क्रिएटर स्टूडियो। ये रहा, अब ये देखो यहाँ पे ना ही कोई न्यू अपडेट आया है और ना ही यहाँ पे अपडेट करने के लिए बोला कि अपडेट करो तभी ये चलेगा। वहाँ पर लिखा रहा है समथिंग रॉन्ग। तो क्या करना है, आपको नीचे स्वीप अप करना है। नीचे स्वीप अप करने के बाद यहाँ पर लिखा रहा है ज्वाइन द बीटा, और यहाँ पर लिखा रहा है ट्राई न्यू फीचर बिफोर दे आर ऑफिशियली रिलीज एंड गिव योर फीडबैक टू दी डेवलपर। क्रिएटिंग डाटा ऑन यू यूज ऑफ दी ऐप विल बी कलेक्टेड एंड शेयर विद दी डेवलपर टू हेल्प इम्प्रूव दी ऐप। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नीचे देखने को मिल जाएंगे, पहला ऑप्शन आ रहा है ज्वाइन का, दूसरा ऑप्शन आ रहा है लर्न मोर का। तो आपको ज्वाइन पे टैप करना है। ज्वाइन पे टैप करने का तो आपको क्या करना है, आप लिखा ज्वाइन बीटा प्रोग्राम बिकॉज फ्यूचर्स आज आर इन डेवलपमेंट बीटा वर्जन में वी अनस्टेबल। तो आपको ये ज्वाइन कर लेना है। मैं यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेते हैं, ये हमने ज्वाइन तो कर लिया है। अब यही देखो यहाँ पे लिखा रहा है ज्वाइनिंग बीटा, मैं इसको एक बार मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने का तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा रहा है बीटा सिंग अप इन प्रोग्रेस इट टेक्स अ फ्यू मिनट्स। तो आपको थोड़ी देर वेट करना है, ये जब तक ज्वाइन नहीं होता तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। अब दोस्तों ये देखो यहाँ पर ज्वाइन होने के बाद यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आ गया है ऑटोमेटिकली। हाँ दोस्तों, मैंने कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ गया। और नीचे क्या लिखा रहा है मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा रहा है यू आर बीटा टेस्टर, यू विल सी न्यू फीचर बिफोर दी पब्लिक डस गिव यू फीडबैक टू डेवलपर टू हेल्प दैम इम्प्रूव, यू कैन लीव दी बीटा टेस्ट एट एनी टाइम, क्रिएटिन डाटा ऑन यूर यूज ऑफ दी ऐप विल बी कलेक्टेड एंड शेयर विद दी डेवलपर टू हिम इम्प्रूव दी ऐप। अभी देखो यहाँ से लीव कर सकते हो आप, लेकिन आपको लीव नहीं करना क्योंकि आपको ये यूज़ करना है। तो यहाँ से इसको अपडेट कर लेना। तो मैं यहाँ से इसको अपडेट कर लेता हूँ, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, अपडेट हो रहा है ये पेंडिंग में। ये जो है 100 कम्प्लीट हो चुका है, यहाँ पे जो है इंस्टॉल हो रहा है, तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। इंस्टॉल होने के बाद फिर हम इसको ओपन करके दिखाएंगे कि ये काम करता है कि नहीं। जहाँ तक है
एंड्रॉइड में से 90% ये अब काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने जून नहीं कर रखा था और ये प्रॉब्लम मेरे को भी आई थी, तो मैं भी थोड़ा सोच रहा था, तो कोई नहीं अभी पता चल जाएगा। लेकिन ये 100% अब काम करेगा ही करेगा। अगर आप लोग भी फेसबुक यूज़र हो और आप भी अगर फेसबुक पे वीडियो वगैरह डालते हो तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़ आता है, क्योंकि इससे ही जैसे कि फेसबुक पे वॉच टाइम दिखाते हैं ना कितने सब्सक्राइबर्स चाहिए और इतना वॉच टाइम चाहिए, तो उसी तरीके से इस पर भी दिखाते हैं कितना वॉच टाइम चाहिए और कितने सब्सक्राइबर्स चाहिए इस पर। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे आपको 60,000 घंटे वॉच टाइम चाहिए और 10,000 आपको यहाँ पे जो सब्सक्राइबर्स बोलते हैं वही मान लो वो चाहिए ही चाहिए फेसबुक पे भी। तो यहाँ पे जो इंस्टॉल हो रहा है, और ये देखो ये इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, अब शायद क्या होता है काम कर जाए। दोस्तों ये देखो, हाँ ये काम करना चालू हो गया। पहले यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा था लेकिन अब ये काम कर रहा है। ये देखो यहाँ पे सब कुछ हो गया है, मिनट व्यू, 1 मिनट व्यू, वीडियो अरेंजमेंट्स, नेट फॉलोअर्स, तो इस तरीके से यहाँ पे अब सारा शो होने लग गया। इस पर टैप करता हूँ, इसमें भी अब शो होने लग जाएगा। ये देखो, तो इस तरीके से आपका अगर क्रिएटर स्टूडियो काम नहीं कर रहा है तो आप ये एक बार इसको ट्राई करना, तो वो ज़रूर काम करेगा। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।